अम्मी मैं जा रही दोस्तों के। तू कहाँ चल दी? वो दावत है मेरी आज, मेरी और इसके पापा की। पागल हो गई? वो बेटी और दामाद जी आ रहे हैं, कोफ्ते हंडी बनेगी, जाके रोटी का इंतजाम कर। मेरे क्या बस का अब कि मैं कोफ्ते बनाऊंगी यहाँ? खड़ी होली तू तैयार सज दे। तो आवेंगी तो नंदे उनसे बनवा लियो अम्मी। हाय दीदा मातों से भी थोड़ा काम करवाया जा रही है, त्योहार वाले दिन भी जाया करें। घरों से निकल दी तू तैयार होके बंठन के, चल जाके इंतजाम कर रोटी का। चल बाद में जाइए, तीसरी ईद को जाइए। पता नहीं क्या मुसीबत है, जब इनके घर में कट्टे भर के गोश्त भेज दिए फिर पता नहीं क्यों आ रहे हैं ये। भाई अपने घर भी गोश्त बनाओ, अपने लोगों को भी खिलाओ बना के। हमारी मुसीबत आ गई बिल्कुल ही बहुओं की, तो ऐसे हमारी सास ने हमें गुलाम बना के रख दिया बिल्कुल ही। हाँ हाँ बेटी दामाद आ रहे हैं। हाँ हाँ आप भी आना मेरी भोपाल। अजी अम्मी यो जरा प्याज काट दो, पत्ते कम बनाओ, जब दावत देने का शौक है ना काम भी करा लिया करो मेरे साथ। तू तो इस तरह कह रही, मैं कुछ करवाती नहीं, आधी से ज्यादा तो तेरी सब्जी हंडी में ही काट के दूं। बहुत ही कामचोर बहू है। और जो तू नया सूट पहन के काम कर रही, नाचनी होना यो, आने जाने में पहनी है। तुम्हारी लड़की तो सज धज के आ जाएंगे अपने लोगों के साथ, फिर वो मुझे नाम रखेंगी कि भाभी त्योहारों वाले दिन भी कितनी गंदी फिर रही। तो तरीके से ही तो पहनने की, नहा धो के पहनी है बस। कभी भी आ ले, अब इतने मेहमानों का आना जाना हो रहा, अब गंदी फिरू क्या उनके आगे? तो भाई छाने से मुंह रगड़ ले, तेरे से बात ना करे। अम्मी हाँ, मैंने शाम में अपने सारे दोस्तों की कबाब पार्टी कर दी, जरा तैयार। क्यों उनकी माँ ने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी जो वो नहीं खिला सकती अपने बच्चों को सीख कबाब है? अम्मी इसके यो मेरा बच्चा भी बहुत सीधा, इसके दोस्त इसकी झुट्टू झुट्टू तारीफे कर दे, तेरी अम्मी बहुत अच्छे कबाब बनाती है, और ये शेखी में आके सबकी दावतें कर दे। अपनी माँ को भी सुला दे कि अम्मी तुम सो जाओ आराम करो। तो चल बना दे, जब बच्चा कह रहा है तू भी बहुत कमजोर हो रही। हाँ तुम्हारा बेटा तो भाग गया गुलशन ले उड़ाने, अब गोश्त कौन पिसवाएगा? तुम जली जाओ, जाओ अब गोश्त पिसवाई आओ। पागल हो गई तू, मैं मर्द में भेजोगी मुझे? ये सारी बातें काम चोरी वाली है जो तेरे अंदर आ गई। हमारे टाइम में देख इतने कबाब बनाए हमने, यूं बैठ जा रहे तो यूं मजमा, और तब तो आंगन था इतना खुला खुला, तू तो यहाँ गैस पे भी चढ़ा रही, हमने तो चूल्हे पे बनाए, और अंडे भी फिटे थे फिर उसमें, और तुझे तो पिसा पिसाया गोश्त भी मिलना, मैं तो सिल पे पिसती थी इतना इतना गोश्त पूरा पूरा, मुझे पता गोड्डे भी घिस लिए मैंने अपने। यूं ही बन रहा है कबाब, पता कितनी मेहनत लगे, हाथों में भी मिर्चे लग जा, दो दिन तक खत्म नहीं होती आग हाथों की। मेरा लोग तो अपना था ही नहीं, यो औलाद भी बाप पे चली गई, सारे गद्दार निकल गए, एक भी तो ननिहाल पे नहीं गया, अपने मामा और खालाओं पे चले जाते, सारे बाप पे चले गए गद्दार। गद्दार बता रही मेरी औलाद को तू, है तू किस पे गई? औलाद भी बाप पे चली गई, एक भी तो ननिहाल पे नहीं गया, सारे बाप पे चले गए गद्दार। गद्दार बता रही मेरी औलाद को, है तू किस पे गई? ए जोया वो गोश्त लाई निकाल के फ्रिज में से, खाते रहे तो तुम्हें कहीं भी घिन नहीं आता, मांगोगे तो तुम चार चार टाइम। लो दो बोटियां आई, हर टाइम तुम उस उमर की दावतें करती रहो, उसके यहाँ से सिर्फ दो बोटियां आई, और उसके घर तो तुमने कट्टा भर के भेजा था जिसकी वजह से तुमने मेरे पे भजवा दिया था। किट 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 ना कर, जाके कबाब बना ले, वक्त निकलना। आ जाओ भाभी आ जाओ, कबाब बन रहे। एक तुम, अरे एक तुम्हारा वो लड़का बख्तियार, तुम यहाँ घर में सबकी दावतें करती, फिर वो बाहर इतना अच्छा बन के दिखावे अपना आपको दोस्तों में, उसने सबकी दावतें कर दी तो क्या हो गया? खा के तो देखो जरा किसी के यहाँ के कबाब, मजाल है ना? सबने अपनी बीवियों को बीमार बता दे, किसी ने कमर में दर्द का बहाना, किसी ने घुटनों में दर्द का बहाना, हम है जोधा जवान, हम 40 डिग्री सेल्सियस में कबाब तलेंगे।